अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। और ये मेरी यूट्यूब चैनल की सबसे पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो अब तक जितने भी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, वीलॉग्स हैं उनमें, तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो कि एक यूट्यूबर के लिए या वीलॉगर्स के लिए जो नॉर्मल वीडियोज़ बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे दिखानी हैं जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी में और आपकी समझ लें साउंड क्वालिटी में बहुत आपके लिए अफेक्टिव होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको जैसे जैसे मैं स्पेसिफाई करता रहूँगा क्या क्या चीज़। पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये है सबसे पहले गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, कि ये थोड़ा सा बारिश के सीज़न में आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ओपन हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है। चले हम ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं और क्या है। सबसे पहले इसके एक साथ अटैच होता है कोल्ड शू माउंट बेसिकली। अच्छा, एक जो है कोल्ड शू माउंट अलग से मिला, ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि एक यूट्यूबर को इसकी अहमियत पता है अच्छे तरीके से क्यों होती है ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें हमारी इसमें कितनी हेल्प होती है इस वीडियो के अंदर। कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको आप कहीं पर भी जैसे आप मोड़ सकते हैं, आप कहीं पर भी किसी पोजीशन पे आप जिसे रखना चाहें, जैसे भी आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो जैसे भी हम उमूमन जर्नी पर होते हैं, हम ट्रैवलिंग वीलॉग्स बना रहे होते हैं, तो हमारा उमूमन जो माइक होता है या सॉरी माइक कह रहा हूँ हमारा ट्राइपॉड होता है बहुत ज़्यादा जर्किंग कर रहा होता है, इसकी वजह से वीडियो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंस है, एक ये इसके साथ मुझे मिला था कोल्ड शू माउंट, लेकिन ये बेसिकली इतना अफेक्टिव इसलिए नहीं होता, बहुत सारे लोग इसको ग्लू स्टिक से चिपकाते हैं जो ये अभी जब मैं आपको टोटली करके दिखाऊंगा फिक्सिंग तो आपको समझ में आएगा। ये है एक्चुअली तौर पर कोल्ड शू माउंट जो कि मैंने हमने स्पेशली ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत हैवी है, आपको फील हो जाएगा इसके और इसके अंदर एक फ़र्क है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये बिल्कुल माइक के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इस पूरे अनबॉक्सिंग की जान है जिसको हम कह सकते हैं वो है बोया MM1 माइक। ठीक है, ये क्यों है इसकी और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारी कंट्री के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेंसिव है और मुल्कों का मुझे नहीं पता। तो ये हम बोलते हैं कि इसके अंदर विद डेड कैट क्या है इसके अंदर सिनेरियो, ये आपको देख के पता चलेगा। तो ये जी ये देखिए, सॉरी मैं उल्टा खोल लिया ऐसे। तो ये इसकी चीज़ें हैं, ये इसके साथ अगर आप DSLR कैमरा यूज़ करते हैं तो ये उसके साथ का सेटअप है पूरा प्रॉपर, और इसको हम साइड में रखते हैं। इसके साथ ये जो चीज़ है ये अटैच्ड होगी आपके इसके ऊपर। ठीक है, ताकि जो है इसके साथ किस चीज़ के साथ अटैच होगी अभी हम देखते हैं। सेकेंड वन, दिस इज द, तो भाई ये है वो वाली चीज़ जो कि आपके मोबाइल से अटैच हो जाएगी, वायर है, और ये वाली वायर जो मैंने आपको दिखाई थी ये लगती है DSLR कैमरे के अंदर। ठीक है, ये है एक्चुअली तौर पे माइक जो कि विद डेड कैट है। एक्चुअली तौर पे ये माइक कैसे है, ये हम इसको थोड़ा सा पुल करके इसको निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली तौर पे माइक कैसा होता है ये अभी हमें आपको दिखाना है। ये बेसिकली माइक है। ठीक है, उमूमन जो लोग बोया MM1 माइक यूज़ कर रहे होते हैं वो ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो विद डेड कैट नहीं होता। इसकी साथ जो इम्पोर्टेंस है इसकी कि आपको अगर एक साउंड होता है ट्रैफिक का वो पीछे के उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, साउंड को ख़त्म कर देता है, तो इसलिए ये इसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी और आपकी साउंड की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देता है। तो नॉर्मली हम जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी आपको हो सकता है शोर सुनाई दे रहा हो पीछे किसी चीज़ का, लेकिन जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो उसके अंदर चला जाता है तो इसके बाद साउंड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और आपको एक अलग फ़र्क फील महसूस होगा इसके। तो ये मैं वापस इसके अंदर लगा देता हूँ किसी तरीके से, हो गया जी। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा पूरी इस चीज़ को मैनेज करके इसके साथ लगा के, ताकि आपको पता चले कि ये दिखने में कैसा होता है। तो दिखने के बाद यानी ये अटैच होने के बाद, सारी फिक्सिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा और साउंड क्वालिटी भी आप लोगों को चेक कराऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी इम्प्रूव है और कितनी अच्छी है, जो कि यूट्यूबर्स के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है।
जी, तो भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ विदाउट दी माइक, और अब मैं आप लोगों को जो पीछे का साउंड आ रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। और आप ये देखें कि मैं इसको जर्किंग भी कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल प्रॉपरली स्टिक है मेरी जो है वो मोबाइल जो है ट्राईपॉड के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा साउंड क्वालिटी जो कि बोया एम एम वन माइक की, इसकी वजह से ये माइक ऑर्डर करें। जी, तो ये अब माइक अटैच हो चुका है और अब आप लोग साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और मैं इसको देखें किस तरीके से मूव कर रहा हूँ अपने कैमरे को, बहुत अच्छा एक फ्लेक्सिबल लुक आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, वीलॉग्स करता हूँ, ट्रैवलिंग वीलॉग्स भी करे मैंने, फूड वीलॉग्स भी करे, तो अब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए अंदाजा हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल स्टिक है। और अब ये जो साउंड क्वालिटी है जो सारी आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरी बोया एम एम वन माइक की है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अभी हम चेक करते हैं इसकी मजीद साउंड क्वालिटी कैसी होगी, अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अनबॉक्सिंग की अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, और इतना सब कुछ दिखाने के बाद अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी नई चीज़ के साथ, और नया कोई ना कोई एक टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।